हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किया जाता है फ्री मार्केट में। यानी कि जो आज का समय है, जो आज का मार्केट है, उसमें जो आपके एक्सचेंज रेट है, आपने देखा होगा कि एक्सचेंज रेट सेट होते रहते हैं। अगर आप आज एक डॉलर लेने जाओगे तो हमें इंडियन रुपीज़ 80 के अप्रॉक्स कुछ इंडियन रुपीज़ उसके लिए पे करने पड़ेंगे। एक टाइम था जब इसके लिए हमें 70 के अप्रॉक्स देना पड़ता था, एक टाइम था जब 75 भी देना पड़ता था, एक टाइम था जब 82 रुपीज़ भी देना पड़ता था। तो ये जो फ्लक्चुएशन आती है, जो इसमें चेंज आता है, ये क्या क्यों होता है, कैसे होता है, या ये एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है, कैसे डिसाइड होता है कि 80 रुपीज़ पे बिकेगा या 75 रुपीज़ पे बिकेगा। तो ये एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है फ्री मार्केट पे, उसके बारे में आज हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, कभी भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आप जो है, चलो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का एक सेकंड के लिए छोड़ो, आप जो है आप अपने ऊपर सारी चीज़ें नहीं ले सकते। आप एक कंट्री हो, ऐसा नहीं है कि जो भी सामान आपको चाहिए वो आप खुद प्रोड्यूस कर लो, खुद खा लो और ख़त्म कर लो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आपको किसी न किसी प्रोडक्ट को लेकर के दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, या फिर जो है दूसरी कंट्रियों को किसी न किसी चीज़ के लिए आपके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ जो है कई बार ट्रांजेक्शन्स करती हैं, यहाँ पर जो है सामान खरीदती बेचती हैं। तो ऐसा तो है नहीं ना, जैसे अगर मैं अभी पनवाड़ी की दुकान पे जाऊँ, मुझे अगर कुछ लेना है, मुझे जो है अगर टॉफ़ी लेनी है, तो मैं अपनी पॉकेट से जो है 1 रुपये का सिक्का निकाल के दूंगी, टॉफ़ी लेके घर आ जाऊँगी। लेकिन वहीं पे जब बात होती है कि हमें किसी और कंट्री से कुछ सामान मंगाना है, या फिर किसी और कंट्री को हमसे कोई सामान मंगाना है, तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी पॉकेट से अपनी अपनी करेंसी निकाल करके दे करके निपट के आ जाएंगे। ऑब्वियसली नॉट। उसके लिए हमें चाहिए होगी फॉरेन करेंसी, कोई एक ऐसी करेंसी जो कि स्टैंडर्डाइज करी हुई है, या फिर जिससे जिसमें जो है वो दोनों कंट्रीज डिसाइड करते हैं कि हम इस करेंसी में ट्रेड करेंगे। तो उस वो करेंसी आपको चाहिए होगी पेमेंट करने के लिए, या फिर सामने वाली पार्टी को चाहिए होगी पेमेंट करने के लिए और आपको रिसीव करने के लिए। अब यहां बात आती है फॉरेन करेंसीज की, जो है आपको क्यों जरूरत है। ठीक है, अब दूसरी बात, अब वो फॉरेन करेंसी ऐसा तो है नहीं अक्कड़ बक्कड़ करके हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें इतनी दे दो, या मैं आपको एक नोट देता हूं आप मुझे एक नोट दे दो। ऑब्वियसली नॉट। आप जो है फॉरेन करेंसी जब लेने जाओगे या फिर जो है कन्वर्ट करने जाओगे, तो वहाँ पे आपको देख जो है बताया जाता है कि भाई देखो, आपको जो है अगर ये वाली करेंसी लेनी है तो इसका इतना प्राइस है, ये वाली करेंसी लेनी है तो इसका इतना प्राइस है। तो ये प्राइस अब कैसे डिसाइड हुआ? आपकी तरह और भी कई सारे लोग हैं, और भी कई सारी कंट्रीज़ हैं जो कि ट्रेड कर रही हैं, तो उनको भी इन सब पर्टिकुलर आपकी जो है करेंसी की डिमांड होती है। सो द फॉरेन करेंसी रेट जो डिटरमाइंड किया जाता है वो इसी फोर्स पे किया जाता है कि भैया डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है। तो ये दोनों फैक्टर्स, ये दोनों फोर्सेस जो हैं एक तरीके से डिटरमाइन करते हैं एक्सचेंज रेट की क्या होने वाला है आपका। अब इंडिया में इतने सारे एक्सपोर्टर हैं, इम्पोर्टर हैं, हर कोई जो है डिमांड कर रहा होगा कि भाई मुझे इतना डॉलर चाहिए, मुझे इतना डॉलर चाहिए, या मेरे पास इतना डॉलर आया है और मेरे को जो है इसको कन्वर्ट कराना है। तो अब यहाँ पे देखा जाएगा फ्री मार्केट में कि कितने लोग डॉलर की डिमांड कर रहे हैं और आगे से कितनी सप्लाई है, आगे कितनी सप्लाई है। तो यहाँ पे सप्लाई कितनी है, सप्लाई का मतलब कि यहाँ पे आप जो है जनरेट नहीं कर सकते। आपको कहाँ से मिल रहा होगा डॉलर? ऑब्वियसली किसी पर्सन ने एक्सपोर्ट किया होगा, तो मार्केट बाहर से उसको पेमेंट आई होगी जो कि अभी आई है और आपको कन्वर्ट करनी है। तो यानी आगे कितनी सप्लाई पड़ी हुई है आपके पास और यहाँ पे कितने लोग उसका डिमांड कर रहे हैं। आई होप आपको डिमांड और सप्लाई का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई जब हो रही होती है, तो वहाँ पे जिस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई के जब हम चैप्टर पढ़ते हैं, तो वहाँ पे एक इक्विलिब्रियम पॉइंट बनता है, वैसे ही यहाँ एक इक्विलिब्रियम पॉइंट बनता है जो कि डिमांड और सप्लाई के को एक जगह पे काटता है, और वहीं पे डिसाइड होता है कि क्या एक्सचेंज रेट इसका अब होने वाला है। सो इन अदर वर्ड्स, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी अप्लाइज विद रिगार्ड टू द डिटरमिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। यानी डिमांड और सप्लाई की जो थ्योरी है वो यहाँ पे अप्लाई होती है जब आपका एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करना होता है। एज सच द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज विल बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ फोर्सेज ऑफ डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। तो यहाँ पे भी जो आपका इक्विलिब्रियम रेट होगा, इक्विलिब्रियम जो है पॉइंट होगा, जहाँ पे भी वो उसका रेट फिक्स होगा, वही आपका एक्सचेंज जो है बनेगा
जो कि आपका किससे फोर्सेस से सेट हुआ है, जो आपके डिमांड एंड सप्लाई के वजह से सेट हुआ है. देर इज़ अ फाइनेंशियल फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन करेंसी रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी. नेक्स्ट इज दिस रिलेशन बिटवीन द टू इज इनवर्स. यहाँ पे जो है इन दोनों का रिलेशन इनवर्स होता है, विच मीन्स कि जब आप एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो आप उस पर्टिकुलर जो है प्रोडक्ट की क्या करते हो, डिमांड कम कर देते हो. जैसे आपने देखा होगा कि किसी चीज़ का जो है प्राइस बहुत ज़्यादा जा रहा है तो आप उसकी डिमांड कम कर दोगे. वैसे ही अगर डॉलर का प्राइस बहुत ज़्यादा चला जाएगा तो आप उसकी डिमांड को थोड़ा सा कम कर दोगे. और वहीं पे अगर उसका जो है अमाउंट प्राइस जो है प्राइस यानी कि उसका जो एक्सचेंज रेट है वो कम हो जाएगा, वो कम होगा, तो वहाँ पे आप उसकी एक्स्ट्रा डिमांड करोगे, उसकी डिमांड ज़्यादा कर दोगे. उसी तरीके से जब बात सप्लाई की होती है, एज सच द डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन करेंसी विल स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट. और इसी वजह से क्या है, जो डिमांड कर्व आपका बनेगा, यहाँ देखिए ये जो है डिमांड कर्व है, यहाँ पे जो है जैसे जैसे इसका यहाँ पे प्राइस जैसे जैसे इसका कम है तो क्वांटिटी आप कम मांग रहे हो, और इसका जो है प्राइस बढ़ गया तो आपने क्वांटिटी ज़्यादा कर दी, और बढ़ गया तो आपने जो है क्वांटिटी मैं शायद उल्टा ही बोल गई, मैं सप्लाई को देख के बोल रही हूँ, माफ़ कीजिएगा. ये जो है आपका प्राइस कम है तो आपने डिमांड जो है ज़्यादा की है, ये वाला पोर्शन प्राइस कम है तो डिमांड आपने ज़्यादा की है, और वैसे वैसे जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप जो है क्वांटिटी कम करते जाओगे. तो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, प्राइस ज़्यादा है क्वांटिटी कम है, ठीक है. और प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी ज़्यादा है, वहाँ प्राइस और कम हुआ तो क्वांटिटी और ज़्यादा हो गई. तो इस तरीके से आपका जो है डिमांड कर्व बनेगा जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा. ओके, एंड यहाँ पे द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट रेट ऑफ करेंसी एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इज डायरेक्ट. और जहाँ पे सप्लाई की बात होती है तो वहाँ पे रेट ऑफ करेंसी और सप्लाई वो दोनों पॉजिटिव वे में चलती हैं, कि अगर ज़्यादा प्राइस है तो सप्लाई ज़्यादा होगी और प्राइस कम है तो सप्लाई कम होगी. तो उसी तरीके से ये आपका सप्लाई का जो है यहाँ पे आपका स्लोप है, ये जो है सप्लाई का कर्व है. जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्राइस कम है तो यहाँ पे क्वांटिटी भी कम है, प्राइस ज़्यादा है तो क्वांटिटी बढ़ा दी, और प्राइस बढ़ गया तो ये क्वांटिटी और बढ़ गई. तो ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप इनका होता है. दिस मीन्स सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी विल बी मोर व्हेन एक्सचेंज रेट इज मोर एंड वाइस वर्सा. यानी अगर इसका उल्टा होगा, जैसे कि अगर आपका जो है प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी. तो इनके बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, दोनों साथ साथ चलते हैं. और इसी वजह से जो सप्लाई कर्व है वो आपको शो होता है इस डायग्राम में अपवर्ड राइज होता हुआ टू द राइट साइड, ठीक है. द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इज इक्वल. अब इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे डिसाइड होता है, देखो आपने जो है डिमांड कर्व बनाया, सप्लाई कर्व बनाई, जहाँ पे ये पॉइंट कट हो जाएगा, जहाँ पे ये जो है एक दूसरे के साथ कट जाएंगे, यानी कि यहाँ पे ये दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, डिमांड और सप्लाई यहाँ आकर के मिल रहे हैं, तो इसी को इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया जाता है. और ये जिस प्राइस पे होता है वो प्राइस आपका जो है एक्सचेंज रेट डिसाइड हो जाता है. अब ऐसा हो सकता है कि सप्लाई कम हो रही है, हो सकता है सप्लाई कम हो जाए तो ये सप्लाई का शिफ्ट ये नीचे की साइड हो जाएगा, और डिमांड सपोज ऐसे कि ऐसे ही है तो यहाँ पे जो फिर नेक्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा वो इस साइड बनेगा. इसका उल्टा भी हो सकता है, सप्लाई लेट सपोज और ऊपर चली गई, इस जो है आगे पीछे हो रही है, तो यहाँ पे अगर सप्लाई का कर्व इस साइड शिफ्ट हो गया अब तो यहाँ पे जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ आकर के बन जाएगा. तो ये यहाँ पे दोनों पॉइंट्स इस तरीके से फ्लक्चुएट होते हैं क्योंकि मार्केट में डिमांड और सप्लाई फ्लक्चुएट हो रही हैं. ओके, इफ रेट अदर देन दिस इज फिक्स्ड आइदर दे विल बी एक्सेस ऑफ सप्लाई और डिमांड ऑफ द डिमांड एज द केस में भी. अगर इस पॉइंट के अलावा कोई और जो है यहाँ पे आपका आप कह सकते हो कि बना दिया गया, लेट सपोज यहाँ पे 70 रुपी बन के आ रहा है, ये 70 रुपी आ रहा है और आपने रख दिया 72, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, आपका या तो एक्सेस सप्लाई का सिचुएशन बनेगा या फिर एक्सेस डिमांड का बनेगा, अगर आपने उस पॉइंट पे जो है एक्सचेंज रेट नहीं रखा और उसके आगे पीछे रख दिया. अब देखो इस पॉइंट पे जो है अगर एक्सचेंज रेट है तो यानी कि फिक्स नॉर्मल है, और इसके नीचे है तो यानी वो एक्सेस डिमांड हो जाएगी, डिमांड ज्यादा हो जाएगी, और अगर ये इसके ऊपर जाएगा तो यानी सप्लाई एक्सेस हो जाएगी एज शो इन द डायग्राम, ठीक है. यही बात यहाँ पे आपकी बोली गई है कि अगर ये पॉइंट से ऊपर नीचे गया तो यहाँ पे आपका एक्सेस सप्लाई और डिमांड की सिचुएशन बन जाएगी. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ.